नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नानी की रसोई नीलम टेक में। आज हम बनाएंगे पालक की दाल, जिसे हम लोगों के गांव में सपैता कहा जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, 1 कप चने की दाल, आधी कप अरहर की दाल, और हमने लिया है आधी कप मूंग की दाल। पालक को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे और सारी दालों को भी हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। दाल हमने धुल लिया है, अब हम गैस पे रखेंगे एक कुकर। कुकर में हम थोड़ी थोड़ी करके सारी दालों को डाल देंगे और इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसे बिना ढके ही उबाल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि दाल में काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है और इसके ऊपर बहुत सारे गाज इकट्ठे हो गए हैं। अब एक चम्मच की सहायता से हम सारे गाजों को निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे कटी हुई पालक। स्वादानुसार नमक और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं। हमारे गांव या हमारे घर जब भी यह दाल बनाई जाती है, इसमें हल्दी पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। दाल हमारी पक चुकी है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि दाल काफ़ी अच्छे से पक गई है, अब हम इसे छौंकेंगे। दाल को छौंकने के लिए हमने गैस पे रखी है एक कढ़ाई। हमें चाहिए कटा हुआ लहसुन, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, कटी हुई हरी मिर्च, और हमने लिया है कोहड़ौरी, इसे बड़ी भी कहा जाता है, और हमें चाहिए कटा हरा धनिया। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होने पर हम इसमें कटी हुई लहसुन को डाल देंगे और इसे चलाते हुए हल्का भूरा होने तक भूनेंगे। लहसुन जब हल्की भूरी हो जाए, तब हम इसमें कटा हुआ मिर्च और कोहड़ौरी को डाल देंगे। इन सबको चलाते हुए हम लाल होने तक भूनेंगे। जब वे अच्छे से लाल हो जाएं, तब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सारी दाल को निकाल लेंगे। सारी दालों को हमने कढ़ाई में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें लगाएंगे सबसे लास्ट में तड़का। तड़का लगाने के लिए हम रखेंगे गैस पे एक तड़का पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, थोड़ी सी हींग, और साथ ही में डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। पालक का सपैता बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थी है। इसे अगर आप चोखे के साथ खाते हैं तो इसका स्वाद और 2 गुना बढ़ जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।